Friends, in this video, we will discuss the remaining part of lesson number 7. What is this, sir? Abilimpics, I managed to say. मैंने फिर से पूछा आपकी Abilimpics क्या है? Oh, said Manjeet, so you really don't know. Well, I'm sorry. Let me introduce ourselves first. I'm Manjeet. The girl sitting next to you is Shahida. The boy sitting at the window is Kumar Swami. Kumar for short, and the one on the easel seat is Vikas. So Manjeet ने reply किया कि ओ आपको सही में नहीं पता है Abilimpics के बारे में, तो मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि you are not aware about it. So उसने बोला कि let me introduce ourselves first. पहले में हम आपको अपने बारे में introduce कर दें. उसने अपना नाम मंजीत बताया, और जो लड़की आपके बाजू में बैठी है वो शाहिदा है. वो बॉय जो विंडो सीट पे बैठा है उसका नाम कुमार स्वामी है, और जो एसिल सीट पे बैठा हुआ है दैट इज़ विकास. एसिल मीन्स द पैसेज बिटवीन द रोज ऑफ द सीट. एंड आई एम एंजल, सेड द गर्ल हु हैड द फेस ऑफ एन एंजल. वो लड़की जिसका फेस भी एंजल की तरह था उसका नाम एंजल था. उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. दे ऑल सेड हेलो टू मी एज दे वर इंट्रोड्यूस्ड. आई रिस्पॉन्डेड मीकली. सभी ने मुझसे हेलो किया और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, और मैंने भी धीरे से रिस्पॉन्स किया. एंड धीरे से मैंने भी सर हिलाया. आई एम श्योर, आई सेड नर्वसली एज दे नॉडेड एनकरेजिंगली आई लॉस्ट माई हेयर. शरद ने अपना इंट्रोडक्शन दिया. धीरे से घबराते हुए उसने बोला कि मेरा नाम शरद है, और बाकी सभी ने जवाब में अपना सर हिलाया. दे नॉडेड मी दे शू हेड्स. उसने बोला शरद ने कि आई लॉस्ट माई हैंड, मैंने अपना एक हाथ खो दिया है. डोंट वरी अबाउट दैट, इंटरप्टेड कुमार लुकिंग टूवर्ड्स मी विथ हिज साइटलेस आइज. वी हैव ऑल लॉस्ट समथिंग एंड येट हैव गेंड मच मोर देन वी हैव लॉस्ट. कुमार ने बोला कि आप उसकी चिंता नहीं करिए. उसने अपनी दृष्टिहीन आंखों से मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया कि डोंट वरी अबाउट दैट, आप उस बात की चिंता नहीं करिए. हम सभी ने कुछ ना कुछ खोया है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमें मिला है. Abilimpics इज एन इवेंट वेयर पीपल विद डिसएबिलिटी कम्पीट टू शो द वर्ल्ड दैट पीपल विद विदाउट डिसएबिलिटी एंजॉय इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, सेड शाहिदा. शाहिदा ने बोला Abilimpic वो इवेंट है जहाँ पे लोग अपनी डिसेबिलिटी के साथ दुनिया को दिखाते हैं कि वो लोग जो डिसेबल हैं या नहीं भी हैं डिसेबल, वो सभी एक जैसे इक्वल राइट्स, समान अधिकार और समान अवसर उनको मिल सकते हैं. एंड दे एंजॉय इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी. विथ इंक्रीजिंग फैसिनेशन आई लिसन टू ईच वन. ईच चाइल्ड हैड अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल. Each one had lost a limb or sense, but unlike me, they had all learned to cope with the disability and to conquer it. They found that if nature takes away one of its gifts, it showers many more to compensate it. With increasing fascination means उसका उत्साह और बढ़ता जा रहा था, और उसने सबको एक एक करके सुना. हर बच्चे के पास एक अलग कहानी थी सुनाने के लिए, और हर कोई बच्चा कुछ ना कुछ एक शरीर का अंग खोया हुआ था. दे आर ईच वन हैड लॉस्ट अ लिंब ऑफ सेंस, लेकिन मेरी तरह कोई भी नो वन इज़ फीलिंग अशेम्ड. दे लर्न टू कोप अप विद दिस एबिलिटी. उन्होंने सीख लिया था अपनी इस एबिलिटी के साथ एडजस्ट करना. एंड दे हैड कॉन्कर्ड इट, और उससे बाहर भी आ चुके थे. उन्होंने ये पाया था कि हमसे अगर प्रकृति कुछ चीज़ वापस लेती है, इफ़ इट टेक्स अवे वन ऑफ इट्स गिफ्ट, इट गिव्स अस मैनी मोर टू कंपनसेट इट. मीन्स अगर हमारे पास एक किसी चीज़ की कमी होती है, तो भगवान हमें और भी चीज़ों को प्रदान करता है उसकी कमी पूरी करने के लिए. इफ़ ओनली द पर्सन विद अ डिसेबिलिटी कुड रियलाइज हिज अ हर हिडन पोटेंशियल, देन लाइफ वुड बिकम रिचर, फुलर एंड मोर एन्जॉयबल देन एवर. अगर सिर्फ पर्सन जिसको जो भी इस डिसेबिलिटी के साथ रहना सीख जाए, डिसेबिलिटी मीन्स अपंगता,
तो अपनी जो फिजिकल कमी है उसके साथ वो जीना सीख जाए और उसको एहसास हो जाए अपने अंदर जो हिडन पोटेंशियल मीन्स टैलेंट है, तो जो जीवन है वो बहुत आसान हो जाएगा और बहुत आराम से हम उसको जी सकेंगे। आई केम टू नो दैट द नेम एबिलिंपिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एबिलिटी एंड ओलंपिक्स। मुझे पता चला कि जो एबिलिंपिक्स नाम है किसके पर कैसे पढ़ा, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड्स एबिलिटी एंड ओलंपिक। एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स काबिलियत, एंड ओलंपिक्स दैट इज द गेम्स टू, तो ये दोनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है एबिलिंपिक। इट वॉज वे बैक इन 1972 देन एन एफर्ट टू इम्प्रूव द वोकेशनल capabilities of disabled person was made in Japan and event was held, it was called the Olympics of Ability. 1972 में disabled persons की रोजगार की क्षमता को सुधारने के लिए जापान में प्रयास किए गए एंड इवेंट वॉज हेल्ड, एक इवेंट रखा गया, इट वॉज कॉल्ड द ओलंपिक ऑफ एबिलिटीज, जिसका नाम क्या पड़ा, ओलंपिक ऑफ एबिलिटीज। Disabled person from all over the world had their first chance to compete among themselves and prove their merits to the world. So disabled persons, जो पूरी दुनिया से disabled persons थे, उनको पहला मौका मिला कि अपने ही जैसे लोगों के बीच में वो compete कर सकें और लोगों दुनिया को अपनी merits means गुण दिखा सकें, they will prove themselves. I was told that 1981 was declared the International Year of Disabled Person. मुझे बताया गया कि 1981 जो ईयर था उसको डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स के नाम पे। टू कॉमेमोरेट दिस द फर्स्ट इंटरनेशनल एबिलिंपिक्स वॉज हेल्ड इन टोक्यो, और इसी की याद में, इसको याद रखने के लिए पहला इंटरनेशनल एबिलिंपिक्स टोक्यो में रखा गया एंड दैट वाज अ फेनोमिनल सक्सेस, और वो बहुत सक्सेस रहा, मींस सफल रहा वो प्रोग्राम। इन द सेकेंड एबिलिंपिक्स हेल्ड इन बोगाटो कोलंबिया इन 1985 द इंटरनेशनल एबिलिंपिक्स फेडरेशन IAF फॉर शॉर्ट, दैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल एबिलिंपिक फेडरेशन, वॉज स्टैब्लिश्ड। सेकेंड एबिलिंपिक्स कोलंबिया में रखा गया था जहाँ पे इंटरनेशनल एबिलिंपिक फेडरेशन इस्टेब्लिश की गई। सिंस देन, तभी से इंटरनेशनल एबिलिंपिक्स हैव बीन हेल्ड विद ग्रोइंग सक्सेस। ऑस्ट्रेलिया वॉज द वेन्यू इन 1995 एंड द प्रेग इन 2000। नन ऑफ अस स्लेप्ट दैट नाइट लिसनिंग टू द चिल्ड्रन डिस्क्राइब देयर हॉबीज एंड देयर इवेंट इन द एबिलिंपिक्स। हमें से कोई भी उस रात सोया नहीं था और सभी बच्चों को शरद सुनता हुआ उनकी हॉबीज़, जो भी उनकी हॉबीज़ थी और उनके जो इवेंट्स एबिलिंपिक्स में होने वाले थे या होने वाले हैं, वो सभी उन सब के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आई कुड फील द कॉन्फिडेंस राइजिंग इन मी, और मैं अपने आप में फील कर सकता था कि जो मुझ में विश्वास उत्पन्न हुआ था, मैं वो फील कर सकता था। द शॉल दैट आई हैड कवर्ड माई डिसेबिलिटी हैड फॉलन अवे, वो शॉल जो मेरी डिसेबिलिटी को ढकने के लिए काम आती थी वो गिर चुकी थी। आई हैड नेवर मेड एन अटेम्प्ट इवन टू लुक फॉर इट, और मैंने उसको ढूंढने का प्रयास कभी नहीं किया। आई डिसाइडेड आई वुड गो टू द एबिलिंपिक स्टेडियम एज अ स्पेक्टेटर एंड चीयर फॉर द चिल्ड्रन एंड फॉर एवरी डिसेबल्ड पर्सन ऑन दिस अर्थ एंड फॉर माई सेल्फ। और मैंने उसी समय निश्चय किया कि मैं एबिलिंपिक स्टेडियम जाऊंगा एक दर्शक की तरह और बच्चों के लिए उनका उत्साहवर्धन करूंगा, और हर एक जो भी डिसेबल पर्सन इस धरती पे है, और मैं अपने खुद के लिए भी चीयर करूंगा। इट वॉज वन सच ट्रेन दैट गेव मी अ डिसेबिलिटी, येट इट वॉज अनदर ट्रेन दैट गेव अ मीनिंग टू माई लाइफ। सो लास्ट में शरद क्या बता रहा है कि ऐसी ही एक ट्रेन थी जिसने मुझे ये डिसेबिलिटी दी, मीन्स जो फिज़िकल इनकेपेबिलिटी जिसकी वजह से मिली मुझे, और यही ऐसे ही एक दूसरी ट्रेन है जिससे मुझे मेरे जीवन के मायने मिल गए। सो व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस लेसन, नथिंग यू कांट डू, दैट इज़ वाई दिस
चैप्टर इज नेम्ड एज नथिंग यू कैन डू, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम ना कर सकें. वट एवर द ऑब्स्टिकल इन आवर लाइफ वी हैव टू फेस इट एंड ओवरकम आउट ऑफ इट एंड प्रूव आवर सेल्फ.